डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मामले में ट्रंप अदालत में गिरफ्तार, सुनवाई के बाद रिहा, दोषी नहीं होने की दी दलील। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गोपनीय दस्तावेज से जुड़े आपराधिक मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप इस मामले में मियामी की अदालत में पेश होने पहुंचे थे। सुनवाई के बाद उन्हें बिना शर्त कोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई। गोपनीय दस्तावेज मामले में दोषी नहीं होने की दी दलील। सुनवाई के दौरान अदालत में ट्रंप ने फिर कहा कि गोपनीय दस्तावेज के मामले में वह दोषी नहीं है। ट्रंप ने गोपनीय दस्तावेजों की कथित छेड़छाड़ से संबंधित 37 आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। ट्रंप के वकील ट्रॉड ब्लेश ने न्यायाधीश से कहा कि हम निश्चित रूप से दोषी नहीं होने की दलील देते हैं। इससे पहले सुनवाई का सामना करने के लिए ट्रंप दोपहर में मियामी पहुंचे और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया।